बेटा कहाँ तक हुए थे अपने? क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में दिया था। क्या नाइन्थ वाला दिया था ना? टेंथ इलेवेंथ दिया था और ट्वेल्थ नंबर का नहीं नहीं टेंथ करना था, इलेवेंथ दिया था सर आपने। हाँ टेंथ तो हो गया था सबको ही। इलेवेंथ आपने कर लिया था सबने? हाँ सर। चलो ट्वेल्थ नंबर का बेटा, इसमें इंग्लिश दोनों ये हिंदी और इंग्लिश। चलो बेटा निकाल लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर बता दो। 290 पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 ना 290 पे ही है। निकाल लो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 290 मिल गया। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। नीचे आपको क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैपिटल दी है, नेचर क्या है? क्रेडिट का। क्रेडिट का क्रेडिट होगा, परचेस रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट होगा। हाँ बेटा परचेस डेबिट होती है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगी। सेल्स क्रेडिट होगी। बिल्स पेबल क्रेडिट होगा। हमारी करंट लाइबिलिटी से क्रेडिट होगा बेटा। याद कर लो क्यों कर दिया आपने उसको? हो गया कौन सा सेल हुआ ना? सेल हुआ ठीक है बेटा। बिल्स पेबल्स भी क्रेडिट होगा। मशीनरी मशीनरी डेबिट असेट्स है। सन्ड्री डेटर्स डेबिट होंगे। ड्रॉइंग्स भी डेबिट होगी। परचेस अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट। वेजेस भी डेबिट होगा। रिपेयर डेबिट सॉरी बैंक डेबिट। रिपेयर भी डेबिट। ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है। एक्सपेंस है रेंट भी डेबिट होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट। बैड डेट्स पैसा डूबा हुआ है डेबिट। कैरिज इनवर्ड डेबिट होगा। और फ्यूल एंड पावर भी डेबिट होगा। मतलब क्रेडिट क्या क्या देख लो। कैपिटल ऊपर के तीन कैपिटल क्रेडिटर्स परचेस रिटर्न और सेल्स चारों क्रेडिट और बिल्स पेबल्स पांच क्रेडिट होंगे। बाकी सब डेबिट है ठीक है। और 30 नंबर का क्वेश्चन भी देख लो। 13 में कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट परचेस डेबिट ड्रॉइंग्स डेबिट फर्नीचर डेबिट बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट सेल्स डिस्काउंट के बाद सैलरी डेबिट सेल्स क्रेडिट। मतलब इस लाइन में दो चीज क्रेडिट होगी कैपिटल और सेल्स ठीक है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स दोनों ही क्रेडिट होंगे। इंटरेस्ट इनकम है क्रेडिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। अब मोटर कार है डेबिट रेंट डेबिट है डेटर्स डेबिट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट है ओपनिंग स्टॉक भी और ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट है। लेकिन इसमें डिफरेंस आएगा 120 रुपए का डेबिट साइड में जिसको हम क्या नाम देंगे सस्पेंस देंगे ठीक है। आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और बेटा 14 नंबर इसमें कोई सस्पेंस नहीं आएगा। कर सकते हो 14 नंबर आप? आज आपको तीन क्वेश्चन करने ही कर लिए मैंने से पहले तीनों के। ये रेंट एंड टैक्सेस बेटा रेंट एंड टैक्सेस हमारे बिजनेस के लिए क्या है खर्चा है रेंट एंड टैक्सेस वो भी डेबिट होगा। और ये लिखा ना इसके ठीक ऊपर रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये क्रेडिट होगा। जितने भी रिजर्व होते हैं वो क्रेडिट होते हैं क्लियर है। आपको अभी करना है जिन्होंने कर लिया अगेन प्रैक्टिस करना है बस प्रैक्टिस चाहिए। 15th होगा भी नहीं बेटा उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। चलो जस्ट अभी करो 12 13 और 14 हो जाना चाहिए तीनों जाना चाहिए। कहां तक क्वेश्चन हो गया था इसमें से? 13 तक हो गया तो 15 वाला करवा रहे हैं। 13 हो चुका था 14 हो चुका था 15 करवा रहे हैं। बेस्टर
कहा था तुम्हें, तो क्वेश्चन 14 हो गया था। क्वेश्चन नंबर बेटा 15, प्रिपेयर करना हमें ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। नीचे कुछ बैलेंस दे रखा है, आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। इसमें एक नई चीज आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है ऐसा सामान जो आपने बेच दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है ऐसा सामान जो आपने बेच दिया, उसकी लागत क्या होगी, कॉस्ट क्या थी, कितने में बना है। जैसे आपके पास 50 बुक थी, 50 में से आपने 30 बुक को बेच दिया, सेल कर दिया, तो जो आपने बेच दी वो बनी कितने में थी, उसकी लागत निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस, कितने का सामान हमने खरीदा, प्लस होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आपको एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रायल बैलेंस पे इतना नहीं दिया जाता है। अरे आपको इतना बोलने की टेंशन की बात नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन लगेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब सर इसमें ओपनिंग स्टॉक है शामिल, नेट परचेस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, और हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, इसलिए ट्रायल बैलेंस में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो आया तो हम क्या करेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक को तो क्वेश्चन से बाहर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस में हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है आपका, क्लोजिंग स्टॉक इसको हम इन कर देंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे। सर पहले तो बाहर कर दिया था क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा अपन बाहर कर देते, तो ओपनिंग स्टॉक लेते। अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे कहां पर, डेबिट साइड में। और यही क्वेश्चन ज्यादा आता आपको, आपको भी एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेगा सारे, आप क्वेश्चन भी स्कूल से मोस्टली यही देगा वो ट्रायल बैलेंस में कि सर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया है तो ओपनिंग स्टॉक को हम नहीं लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड लेंगे। अब आगे देखो, ट्रायल बैलेंस बनाते क्वेश्चन नंबर 15 में, हेडिंग आएगी ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कब खत्म हो रहा है, नहीं दिया है खाली थोड़ा, अभी बहुत सारा को फॉर्मेट बनाते नहीं आ रहा, कितनी बार वाला लाइन पीछे से खींचेंगे, सबसे पहले ऊपर की लाइन खींचो फिर पीछे से लाइन खींचो, जज बुलाता आपको स्पेस प्रॉपर्टी।
सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या होगा डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया इस क्वेश्चन में, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक को सर हम हटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे डेबिट साइड। फिर अब आया डेटर्स, डेटर्स हमारी करंट असेट्स है, डेबिट होगी 1,20,000। फिर क्रेडिटर्स, लेनदार हमारे जिनसे हमने उधार परचेस करी थी, क्रेडिट 60,000। फिर फिक्स असेट्स क्या होगी, डेबिट। हाँ असेट्स कोई सी भी हो बेटा, असेट्स का नेचर डेबिट ही हो सकता है। 1 लाख रुपए किसमें, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीनरी सब आ गई। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस विविध खर्चे, बहुत सारे खर्चे सबको मिक्स करके बता दिया इसने, एक्सपेंसेस खर्चे इसमें डेबिट होगा 40,000। सेल्स, सेल्स क्रेडिट होगी 4 लाख। फोर ले कैपिटल क्रेडिट होगा, कैपिटल 1,82,000। 1,82,000 ड्रॉइंग्स, अकाउंट कितने 2,000 की ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आएगा 80,000। बस बेटा क्या करा इसमें आपने सर, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिया, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड लिया। कब लेंगे, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगा, अदरवाइज अपना सेम रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लेते ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड लेते। अब टोटल कर लो, इसका टोटल बराबर होना चाहिए, टोटल करो पहले इसका, 3 और 1 4 लाख 5 लाख, लाख वाले हो गया, हजार वाले देखते, 10,000 वाले 2 और 4 6 और 8 14 1,40,000 ये आ गया 6,40,000 6,40,000 रुपीज। ये तो था डेबिट साइड का 42,000 है क्या, तो अपन ने कुछ लिखने में गलती करी है। ड्रॉइंग कितनी है, 2,000 की है ना, तो ड्रॉइंग्स कहां पर आएगी, डेबिट साइड, डेबिट 6,42,000 6,42,000। अब इधर देखो यहां पर टोटल कितना होना चाहिए, 4 और 1 5 लाख, 5,80,000 और 60, 5,00,000 6,40,000 और 2,42,000 6,42,000 इसका टोटल हो गया। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये मिलेगा आपको 5 नंबर में मिलेगा बेटा, ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमको भी पता है बच्चे से इतनी बड़े प्लस माइनस नहीं हो पाएंगे, तो वो आपको क्या करेंगे छोटे लेवल पे देंगे, वो भी कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला। ठीक है, बता दो यही नहीं आएगा, इसी कैटेगरी का आएगा, जल्द बताओ, ये भी आ सकता है। इसी की एक कॉपी है क्वेश्चन नंबर 18 15 का, अपन सीधा 18 करते हैं, है ना, 16 17 अभी करवा रहा हूँ, पहले अपन 18 कर लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है ना इसलिए बता रहा हूँ, आप इजीली कर लोगे।
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच है ना एविडेंटली कंटेन एरर्स, इसके अंदर बहुत सी गलतियां है, इन गलतियों को सुधारना है और हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, क्योंकि एक ऐसा अकाउंटेंट था जिसको जानकारी नहीं है अकाउंट की। अब इसने ट्रायल बैलेंस बनाया है और इसका आंसर भी लेके आ गया, वो 3.5 लाख दोनों साइड मैच भी हो गया, इसलिए तो आंसर नहीं देते एग्जाम में। सोचा अगर एग्जामिनर आपके पेपर में क्वेश्चन के साथ नीचे आंसर लिख देता तो हमारा देश है भारत देश, इतने मान स्टूडेंट कुछ भी लिखते लेकिन आंसर वही आता उनका और टॉप भी कर जाता है, इसलिए आंसर नहीं दिया जाता है। इसने यही कहा, उसको पता ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच आना चाहिए 3.5 लाख, बोलिए आया। जब आपने देखा तो पता चला कि इसमें कुछ गलतियां थी, अब इन गलतियों को सुधारना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 डेबिट साइड लिखा, हाँ आता है, सब सही है। चलो एक जगह तो उसका तुक्का सही चला गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता सर डेबिट साइड होता है, तो हमने डेबिट साइड लिख दिया 1,50,000। अब आपको गलतियां सुधारना, क्लोजिंग स्टॉक सर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता तो क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे, और कहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड, और इसने कहा लिख दिया क्रेडिट साइड गलती से, अब इसको सुधार दो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड कितना है 60,000 सर चश्मा। डेटर्स क्या है हमारी, करंट असेट्स है सर, डेटर्स का नीचे डेबिट साइड है और इसने गलती से क्रेडिट साइड लिख दिया है, इधर ध्यान दो बेटा, गलती से उसने क्रेडिट साइड लिख दिया तो अब हमने गलती सुधारी। क्रेडिटर्स सही लिखा उसने, क्रेडिट साइड है, कितना है 30,000 सही लिखा। फिर इसके बाद फिक्स असेट सर, असेट्स का नीचे डेबिट होता है, डेबिट साइड लिखना है फिक्स असेट्स, इसका अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा, कितना 50,000। फिर ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड था इसलिए हम नहीं लेंगे इसको। फिर एक्सपेंसेस खर्चे डेबिट साइड आएगा 20,000 सैलरी एक्सपेंसेस, इसने कहा लिखा 20,000 डेबिट साइड, अरे उसने कहा लिखा है क्रेडिट साइड, अपन सुधार देते सर डेबिट साइड आएगा, सेल्स तो क्रेडिट साइड है सही है, कितनी 2,00,000 से कैपिटल क्रेडिट साइड लिखते नहीं, डेबिट लिखा तो अपन सही करते ना, अच्छा गलत लिख दिया ना उसने कैपिटल, कितना 90,000 बेटा आपको पता था इसलिए आपने गलती सुधारी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी यही होगा, गलतियां सुधारना आपको, तो सर जब जनरल एंट्री आएगी तब गलती सुधार पाएंगे ना, ठीक है। अभी तो हमें पता ही नहीं हम क्या गलत कर रहे हैं, इन फ्यूचर ये ट्रायल बैलेंस आना आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, फ्यूचर में जब आप अकाउंटेंट का काम करोगे, सीए सीएस करोगे, प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे तो आपको ट्रायल बैलेंस सामने पता रहेगी, आप खुद बनाना पड़ेगा तो बना सकते हैं। अब टोटल करते हैं, गलतियां सुधारने के बाद अब आप ठीक कर सकते हो आपकी, अब आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाना चाहिए 2,90,000 और 30,000, 3,20,000, 3,20,000, यहाँ का टोटल भी 3,20,000 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, 1,00,000 तो इजी 20 ले लो बेटा, 1 के बाद सब 0,00,000। अब 10,000 वाले देख लो, 5 और 4 9 6 15 15 5 20 20 और 2 22, और 1,000 वाले कुछ आ गया 3,20,000 टोटल आ गया मैच, तो ओपनिंग स्टॉक कहां गया सर, आपको क्रेडिट का सही आया तो डेबिट का भी सही आया, ओपनिंग स्टॉक को मैंने बाहर कर दिया ना बेटा, तो ये मैच अरे अब कर लो।
बेटा क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी 19 आपको अभी करना है। इसमें भी क्या लिखा, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज इनकरेक्ट, गलत है, इसको आपको सुधारना है, आपको बताना है। कैपिटल डेबिट कर दी इसने गलती से, आपको पता है कैपिटल क्रेडिट होती है, सेल्स तो क्रेडिट है, सेल्स भी है रेंट, ये क्या हुआ डेबिट, खर्चा ओपनिंग स्टॉक, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया तो लेंगे। अभी रुक जा, देखो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है मतलब ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है। मशीनरी असेट से डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, डेटर्स डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होगा ना, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी डेबिट है। अभी कर सकते हो, करो जैसे अभी आपने बता दिया था, फिर करते हो करो अभी। कर रहे हो बेटा, प्रैक्टिस चाहिए बस बेटा इस क्वेश्चन में जितना हो सके उतना, बाकी के क्वेश्चन अपन कल देखेंगे है ना। अभी 19 वाला करो और कल हो जाएगा चैप्टर आपका कंप्लीट।